Now next concept is concept for negative and positive angle relation. तो negative और positive angle का क्या relation? देखो अभी तक आपने देखा कि first quadrant में जितने भी angles होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? Positive होते हैं, इसमें कोई doubt? चाहे वो साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टैन। तो रीजन क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पी भी पॉजिटिव था और बी भी पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो अगर मैं इन्हीं एंगल्स को नेगेटिव फॉर्म में लिखूं, जैसे कि मैंने क्या कहा साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस, मैंने क्या किया? देखो क्या आप मानते हो कि पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या था? पॉजिटिव एंगल का मतलब ये था कि जो टर्मिनल रे होती है उसकी जो रोटेशन होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। टर्मिनल रे की जो रोटेशन होती है, जैसे कि मान लो ये आपका एक्सिस है, पॉजिटिव एंगल के लिए रोटेशन कैसे होगी? टर्मिनल रे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रे ऐसे मूव करे। और नेगेटिव एंगल कब बनेगा? जब रोटेशन कैसे होगी? क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, अब देखो यही से मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में आ गए। यस और नो? पॉजिटिव एंगल में आप कहां पर थे? फर्स्ट में। और नेगेटिव एंगल के लिए आप कहां पर आ गए? फोर्थ। फोर्थ में अगर आप देखो, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पी आपका एक तो नेगेटिव होता है, ये सारा कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि भैया जो वाई एक्सिस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाता है, बट एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली आपका पी नेगेटिव होता है और बी आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो एच का तो कोई रोल ही नहीं है, एच तो आपका रेडियस है और वो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन थीटा में अगर मैं साइन, अब देखो एंगल जो था आपका थीटा था फोर्थ क्वाड्रेंट में आके क्या हो गया? माइनस थीटा। तो जो एंगल थीटा था वो साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आके। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? जो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? पॉजिटिव था, वो यहाँ आके क्या हो गया? माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? साइन ऑफ माइनस थीटा। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? कॉस ऑफ माइनस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा था वो यहाँ आके क्या हो गया? टेन ऑफ माइनस। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन थीटा एच को तो छोड़ दो, पी और बी में यहाँ पर क्या आएगा? पी। तो आपने लिखा पी, कहना चाहिए पी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पी क्या होता है? माइनस होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? पी। एच को भूल जाओ, बी। और बी यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर बी आएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? पी बाय पी। मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा था वो सभी में माइनस लगा दो, क्योंकि ये जो एंगल था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से वही थीटा जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? माइनस। और माइनस थीटा होने पर इन फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी? वो हम देख, जब ये एंगल नेगेटिव एंगल बन जाते हैं फंक्शन, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है? कि नेगेटिव एंगल के साथ इन फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है वो हम देख। समझ में आ रहा है? ठीक है। टेन ऑफ माइनस थीटा, अब टेन थीटा क्या होता था आपका? पी बाय पी, पी बाय पी। इसमें पी तो आपका नेगेटिव है, मैं लिखूं इसको माइनस पी बाय पी, माइनस पी बाय पी। समझ में आ रही है? क्लियर होगी? तो क्या आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर है? क्लियर हो गया आंसर? ठीक है। अब एक बात बताओ ध्यान से देखो, अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से पी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? साइन थीटा है। यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, बी की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया? कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा जो कि आपका माइनस बी बाय बी के इक्वल है, तो एक तो आपने लिखा यहाँ माइनस, और पी बाय बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? टेन थीटा। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर साइन जो फंक्शन होता है आपका वो नेगेटिव एंगल के साथ जो वैल्यू देता है वो भी क्या होती है? माइनस पी। तो माइनस साइन, माइनस पी था ना, पी की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट कर दी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। इसका मतलब जो कॉस होता है वो नेगेटिव एंगल को क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है, या फिर आप लेमैन लैंग्वेज में समझो कॉस नेगेटिव एंगल को खा जाता है। ये बाकी नहीं खाते, बाकी निकाल देते। जैसे कोई होते हैं ना, जैसे कोई वो की है हरी सब्जी वगैरह या हरी मिर्च वगैरह होती है खाने में, अब समझो नेगेटिव एंगल आपका वो हरी मिर्च। अब साइन ने क्या किया? इस हरी मिर्च को निकाल के साइड में कर। टेन ने भी क्या किया? हरी मिर्च को निकाल के साइड में कर दे। ये भाई साहब घटक थे। अब कॉस घटक क्या था? कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है?
ये भी कटक जाता है। तो ये दोनों जो है हरी मिर्च को खाया, बाकी जो है ये निकाल के साइड में कर। बात समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो यही आपका जो फंक्शन है जो अब आगे बड़ा यूज होगा ये, तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बताओ ये रिलेशन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? रट्टे नहीं लगाने पता होना चाहिए। तो मैं आपको डिराइव करके दिखाया कि क्यों साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और अगर ये ऐसा होता तो इनवर्स में भी वही रिलेशन था। तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी क्या होगा? माइनस कोसेक। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसी तरह से जो सेक ऑफ माइनस थीटा है वो क्या होगा? सेक थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या है आपका? माइनस टेन थीटा। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। कोई डाउट है तो दे रहे हैं यहाँ तक, हो गया क्लियर? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा 30 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि भैया आपको तो हरी मिर्च है, साइन हरी मिर्च को बाहर कर देगा तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? -1/2। क्या समझ में आ रहा है आपको? साइन ऑफ -30 क्यों -1/2 होता है? फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि कॉस ऑफ -30 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे हरी मिर्च ये तो घटक जाएगा, तो भाई साहब निकल जाते हैं खा जाते हैं, तो ये तो हो जाएगा कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। बोलो भाई समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जब फंक्शन के साथ नेगेटिव एंगल दिया जाता है तो किस तरह से काम करना है, ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखो आगे वाला जो कंसेप्ट है आपका, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फोर। ये आपके फोर क्वाड्रेंट मैंने बना दिए, ये आपके फोर क्वाड्रेंट मैंने बना दिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आप डिस्कस ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? कैन आई से दैट ये जो लाइन है रेड कलर वाली जो लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेड कलर में है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसको क्या कहोगे? वर्टिकल। इसको क्या कहोगे? वर्टिकल। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें जो एंगल होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ पाई। इसमें जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीपल ऑफ पाई। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसमें जो एंगल होते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई बाय। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, और ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो एंगल होते हैं आपके, मैंने कहा मल्टीपल ऑफ पाई, पर कौन से मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं? पॉजिटिव वाली साइड में। पॉजिटिव वाली साइड में जो आपके एंगल होंगे वो होंगे इवन मल्टीपल ऑफ, क्या होंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो एंगल होंगे वो क्या होंगे आपके? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर क्या होना चाहिए? तो यहां पर क्या होना चाहिए? और मल्टीपल ऑफ, और मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ। तो कैन आई से दैट अगर यहां पर एक एंगल जीरो है दूसरा क्या होगा? फिर 2 पाई, फिर क्या होगा? फोर पाई, फिर क्या होगा? 6 पाई, फिर क्या होगा? 8 पाई, और डॉट डॉट डॉट, और इसी तरह से एंगल चलता रहेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर और मल्टीपल कहां से शुरुआत होनी चाहिए? बोलो। कैन आई से दैट 1 पाई यानी कि पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गई आपको? यहाँ कह रहे हैं ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जो वैल्यू आपकी कॉस 0 की होगी वही सेम वैल्यू कॉस 2 पाई की होगी, वही सेम वैल्यू कॉस 4 पाई की होगी, वही सेम वैल्यू कॉस 6 पाई की होगी, वही सेम वैल्यू कॉस 8 पाई की। पाई का मतलब क्या? 180। 180 इंटू 2 कितना हो गया? 360। 180 इंटू 4 कितना हो गया? 720। तो देखो आपको क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता है कि भैया cos 720 की वैल्यू बताओ, तो देखिए स्टूडेंट वैसे ही घबरा जाता, तो मुझे कंसेप्ट का पता ही नहीं होता 720 तक की वैल्यू कैसे निकाले। अगर आपको कंसेप्ट पता तो आपको पता जो cos 0 की वैल्यू होगी, क्यों बताया आपको? क्योंकि आपको पता 720 का मतलब हो गया 180 इंटू 4, तो भैया ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई।
तो जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी वही कॉस इसकी वैल्यू होगी फोर। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है वन। बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं जो वैल्यू आपकी साइन जीरो की होगी वही वैल्यू साइन 2 पाई की होगी, वही वैल्यू साइन 4 पाई की होगी, और सो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो इन सब की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। अब बात आती है सर, ये तो आगे पॉजिटिव मल्टीपल की, व्हाट अबाउट दिस साइड, व्हाट अबाउट दिस साइड, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होगी। तो भैया कॉस जीरो की वैल्यू क्या थी ये बताओ, वन। जो आपकी पॉजिटिव एक्सिस में वैल्यू है उसका नेगेटिव साइन यहां आ जाएगा। फिर से रिपीट करो, जो पॉजिटिव एक्सिस में वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी यहां आ जाएगी विद नेगेटिव साइन। अब अगर ये -1 है तो ये सारे भी क्या होंगे, -1, यस और नो, समझ में आ गई बात। और ये तो 0 0 में तो नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ पाई में चाहे आप साइन पाई की वैल्यू निकालो, चाहे साइन 3 पाई की वैल्यू निकालो, चाहे इवन मल्टीपल चाहे ऑड मल्टीपल, साइन में सभी की वैल्यू क्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई आप, चलो मैं आगे, कोई डाउट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की एक बात और बता रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है। क्या रहती है, अनचेंज। अब इसका मतलब क्या समझ, अगर मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा साइन 2 पाई प्लस थीटा, या मैंने आपको कहा साइन साइन पाई माइनस थीटा। पहले आपने देखा कि पाई है, जैसे आपने पाई देखा आपके माइंड में क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो कौन सी लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन। नहीं समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, तो ये इसका आंसर साइन में ही आएगा, इसका आंसर साइन थीटा ही होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट से डिसाइड। क्या है 2 पाई प्लस, 2 पाई प्लस, तो देखो 2 पाई का मतलब आप इस पॉइंट पर हो, 2 पाई का मतलब आप इस लाइन के ऊपर हो ना सेंटर। प्लस, अब मैं आगे की तरफ जाऊं या पीछे की तरफ, फर्स्ट में जाऊं या फोर्थ में जाऊं, फर्स्ट में जाऊं, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा रोटेशन ऐसे हो, तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भैया साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा, यस और नो। अब है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई का मतलब मैं कहां पर आ जाऊं, मैं इस पॉइंट पर आ जाता, इस पॉइंट पर आया तो यहां आना, ये बात समझ में आ गई। आप यहां पर खड़े हो, माइनस, प्लस करोगे तो आगे की तरफ जाओ, माइनस करोगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो माइनस का मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, होते नहीं होते। अगर साइन पॉजिटिव है तो जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत एग्जाम्पल दूंगा, जब तक तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। चलो मैं और आपसे पूछता हूँ, ध्यान से बता। मैंने पूछा आपसे कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कॉसेक पाई माइनस। चलो 2 पाई प्लस थीटा, पहले तो बताओ किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है तो फर्स्ट में हो भैया, 2 पाई आ गया मल्टीपल ऑफ पाई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक चीज तो क्लियर है कि कॉस में ही आंसर आएगा, प्लस आएगा माइनस ये बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव, कहानी खत्म। सेक पाई प्लस थीटा, अब यहां आपका पाई होता होता है, यहाँ पाई, प्लस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज किस पर आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सेक क्या होता है, वेरी गुड, तो लिखो माइनस एक थीटा, फंक्शन अनचेंज रहेगा हॉरिजॉन्टल में, तो प्लस और माइनस आपको जज कर, 10 पाई माइनस थीटा, ये रहा भैया पाई, माइनस में हो रहा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं, सेकंड में, 10 क्या होता है, नेगेटिव, मैं लिखू -10 थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई ये रहा माइनस क्लॉकवाइज मूवमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड, सेकंड में क्या होना चाहिए,
साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा, वेरी गुड। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हुआ, या कुछ और एग्जांपल दो, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल देखो, तो वर्टिकल लाइन में कैसे, वर्टिकल लाइन में जो एंगल होते हैं वो ऐसे नहीं होते, ऑड और इवन। पहले तो जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, जब वर्टिकल लाइन की हम बात करते हैं, इसमें जो एंगल होते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑफ पाई बाय। इसमें जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई बाय। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, तो मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू का मतलब क्या है। अब इसमें ऑड और इवन मल्टीपल नहीं होते हैं, इसमें सीक्वेंस में चल कॉन्सिक्यूटिव। जैसे 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद। तो 1 वाला तो हो गया पाई बाय टू, ये आपको पता ही है, यहाँ पर आता है। उसके बाद क्या, 3, 3 यहाँ, 3 के बाद 5, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 के बाद 7, ये यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद 9, 9 यहाँ आ जाएगा, 9 के बाद 11, 11 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे एंगल लगते हैं, कोई भी वैल्यू आ जाए सीधा चल सकता। सेम कंसेप्ट होता है यहाँ पर, कि जो वैल्यू आपकी साइन पाई बाय टू की होगी, वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, साइन पाई पाई बाय टू की, वही वैल्यू साइन 9 पाई बाय। अब एक बार बताओ, साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या, 1। तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हो, साइन 3 पाई बाय टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर यहां पर जो वैल्यू थी यहां पे वो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो अगर साइन पाई बाय टू 1 है, तो साइन 3 पाई बाय टू क्या होना चाहिए, -1। अब क्या बता सकते हो, साइन 11 पाई बाय टू की वैल्यू क्या होगी, -1, वेरी गुड। अब 11 पाई बाय टू का मतलब समझ रहे हो आप, 90 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 99, 99। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि साइन 990 की वैल्यू क्या है, आपने लिखा है इसको साइन 11 × 90। अब तो आपने क्या कहा, ये तो भैया 11 पाई बाय टू है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। फटाफट आपने एक्सिस बनाया, बस ये देखा कि 11 पाई बाय टू पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव, अगर नहीं आता आपने देखा यहाँ आएगा। आपको पता है कि यहाँ पे तो -1 की सीरीज चलती है साइन, तो आंसर इसका क्या होगा, -। ऐसे बड़े बड़े एंगल्स फाइंड किए जाते, कंसेप्ट पता नहीं होता, बस देखते हैं बाल ऐसे खड़े होते हैं, सीन खड़े हो गए। साइन 90 कैसे कैसे क्वेश्चन दे दिए यार सर, लॉजिक तो पता नहीं है कि कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब आते हैं उसी बात पर, कि मैंने आपको कहा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन की वैल्यू अनचेंज हो, तो व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें जो फंक्शन की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है वो चेंज हो, सॉरी वर्टिकल लाइन पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज हो। फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब चेंज में आपको पता है रिलेशन क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जरा मुझे अब ये मेहनत करके बता दो कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस, कॉस किस, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं। टेन किस में चेंज होता है, कॉट, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन, वेरी गुड। और क्या रिलेशन बनता है, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक, तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक, इसमें कोई डाउट। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा साइन 3π/2 + थीटा, तो पहले तो ये बताओ साइन 3π/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव। अब आप काउंटिंग शुरू करो 1 से, भैया 1 तो ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, तो आप यहां पर तो, नाइनटी का मतलब हो गया पाई बाय। बेसिकली आप देखो, अगर इसको मैं नंबर में निकालूं तो 3 × 19, 270, देखो 270 होता है, तो यहां पर क्या होता है, 0, 90, 90 में 90 ऐड करो क्या हो गया, 180, 180 में 90 ऐड करो, 270, 270 में 90 ऐड करो, 360, ये हो जाता है 2 पाई। यही हमने कहा था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 0 भी आ गया, 2 पाई भी आ गया,
ये होता है पाई, तो यही हमने कहा था यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ये हो गया 90, तो यही कहा था यहाँ पर पाई बाय टू आता है, और 270 हो गया 3 पाई बाय 2। तो वन के बाद यही बताया था कि 3 आ, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ 3 पाई बाय 2 आप यहाँ पर प्लस कर, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज, जब बढ़ाना होता है एंगल बढ़ता है तो एंटी क्लॉक, कम होता है तो क्लॉक। क्या टर्मिनल रे की रोटेशन बताई थी मैंने, कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है ऐसे उठती है 0 से, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए भैया? फोर्थ में आ गए। अब साइन फोर्थ में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या लिखो? सोच के बताना। वेरी गुड वेरी गुड, माइनस कॉस। क्यों? क्योंकि भैया आपने ये देखा कि यहाँ तो बात हो गई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज होता है, और साइन किस में चेंज होता है? कॉस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो हमारा ये फंक्शन ये देखना जिसको आप चेंज कर रहे, वो क्या होता है? वो आपका नेगेटिव, वो आपका क्या होता है? नेगेटिव। चलो एक और पूछते हैं आपसे। मैंने आपसे पूछा फिर हो गए मैं यहाँ तक, चलो अब आगे एक और पूछते हैं आपसे। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछा कॉस 13 पाई बाय 2 माइनस 3, वैल्यू आपका आंसर क्या हो? आपका आंसर है प्लस साइन थीटा। जी बाकी और कोई आंसर देना चाहता है? सबको ये सही लग रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ ये किस एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है नेगेटिव वाई एक्सिस? देखो यहाँ 1, यहाँ 3, 5, 7, 9, 11, 13 तो यहाँ है, तो एक बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 13 पाई बाय, क्या बात समझ में आ रही है? 13 पाई बाय। अब देखो माइनस थीटा क्या है? माइनस थीटा, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आप पीछे की तरफ आओ, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? इसमें आ गए फर्स्ट, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू यानी कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। क्या आएगा आंसर? साइन। क्लियर हो गया? एक दो और पूछू तो आ गया कंसेप्ट? ठीक है, मेन चीज जो आपको समझ में आई है फटाफट आप मुझे, आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फटाफट आंसर देते हैं। पहले मुझे ये बताओ इस एंगल पर क्या होता है, कौन से एंगल आते हैं यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? इवन मल्टीपल ऑफ फाइव क्या क्या होगा? फॉर एग्जांपल 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 16 पाई, ऐसे कुछ जो भी हो, यहाँ पर क्या आते हैं? तो इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 21 आएगा तो कहाँ आएगा? नेगेटिव आई एक्सिस। 24 होगा तो कहाँ आएगा? पॉजिटिव आई एक्सिस। ये कहानी क्लियर? फिर मुझे बताओ 15 पाई बाय 2 कहाँ पर आएगा? 15 नेगेटिव आई एक्सिस पर, 15 पाई बाय 2। पाई बाय 2 से एक तो चीज क्लियर है कि वर्टिकल लाइन पर आएगा, ठीक है वर्टिकल लाइन पर आएगा। दूसरी चीज आपको ये क्लियर है कि ये यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या 11। अब ध्यान से देखना एक चीज और, यहाँ 13 है और यहाँ पर क्या 15। पीके टेबल में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या आता है? 3 2 6, 6 तो आपका, मैं ऑड क्या हूँ, 9 आता है ना, 9 देखो यहाँ चला, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है ऑड में, तो 3 के टेबल में आता है, वो आता है 15, 15 यहाँ आता है। 15 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 3 के टेबल में 21, 15, 17, 9। समझ में आ रहा है कुछ? 3 के टेबल में कैसे जज करना है कि पहला जो नंबर आता है 3 का मल्टीपल का, वो किस पर आता है? नेगेटिव आई एक्सिस पर। 3 के टेबल का जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3 के टेबल में, फिर वो किस पर आएगा आपका? इस पर आएगा, ऐसे भी जज कर सकते। फिर मैंने कहा आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती, नहीं। और
वर्टिकल लाइन में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक। ये कहानी क्लियर? ठीक है चलो जी, ये चीज यहाँ पर जो बताई गई है ये क्लियर हो रहा है? अब देखो जी समझ में आ रहा है, जो चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है दैट पाई बाय टू यहाँ आएगा, 450 का मतलब क्या हो गया, पाई पाई बाय टू, तो 1, 3, 5 इस तरह से वैल्यू जाती है, और यहाँ पर क्या आता है 0 डिग्री, फिर 0 और क्या आएगा 2 पाई, 4 पाई, 360 इस तरह से आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो एंगल होता है रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ पाई, यही बताया आपको, और वाई एक्सिस में जो एंगल होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल ऑफ पाई पाई, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन पर सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे आपके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। प्रेजेंटेशन क्लियर हो रही है? तो ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई विल बी सेम एज वैल्यू ऑफ साइन 0, यही बताया था, जो 0 की वैल्यू होगी वही बाकी आगे वाले एंगल्स की वैल्यू होगी, इसी का भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है इसी तरह से जो साइन पाई की या कॉस पाई की वैल्यू होगी वही आगे वाले एंगल, तो साइन पाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो साइन 0 की वैल्यू उसका अपोजिट साइन, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस 7 पाई, तो आपने पहले देखा कि भैया कॉस पाई, कॉस पाई से फिर आपने देखा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये भी क्या होगा -1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है अब नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी, बात कंसेप्ट आता है फोर टर्मिनल लाइन। क्या आता है? फोर टर्मिनल। अब इस चीज को ध्यान से, फोर टर्मिनल एंगल का मतलब ये हुआ आपका, जैसे कि ये आपने एक एंगल बना लिया और आपने कहा, मैंने आपको कहा कि ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब देखो मैंने एक रोटेशन की, एक रोटेशन कर, ये कितनी डिग्री की होगी 360, फिर मैंने कहा इस पे 30 डिग्री और एक्सटेंड कर दो, इस पे 30 डिग्री और बढ़ा दो, अब ये टोटल कितना हो गया 390 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 390। ठीक है तो जो वैल्यू आपकी साइन 30 की थी वही वैल्यू आपकी साइन 390 की, समझ आ रहा है? देखो 390 को आप कैसे ब्रेक करोगे, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 360 + 30, यस और नो? ऐसे ब्रेक होगा 360 को, वैसे आप क्या करोगे, देखो जो अभी बात बताई है वही है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 पाई प्लस में क्या हो गया 30, 2 पाई मतलब आप किस पर आ गए, 2 पाई का मतलब यहां हो आप, प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और 2 पाई का मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें वैल्यू चेंज नहीं हो, तो ये भी क्या होगा साइन 30 ही होगा ना, पहले भी क्या था साइन 30 था, इसको फोर टर्मिनल एंगल, फोर टर्मिनल एंगल्स की वैल्यू क्या होती है सेम, जैसे कि अगर 360 के बाद एक रोटेशन और करो, टोटल रोटेशन ये कितनी होगी 720, 720 में 30 और जोड़ दो, 720 में 30 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 750, जिसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कुछ मैं ऐसा लिखूंगा 720 + 30, यस और नो? 720 को आप कैसे लिखोगे 4 पाई प्लस में क्या हो गया आपका 30, ये लिखोगे 4 पाई, जैसे आपने देखा आपने कहा भाई ये तो मैक्स एक्सिस पर आ गए, प्लस में आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी तो साइन 30 के इक्वल है, तो +30 का मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 2 पाई + 30, 3 पाई + 30, 4 पाई + 30, सबकी वैल्यू वही होगी, क्योंकि लास्ट जो आपका सर्कल है वो 30 डिग्री का ही बन, या पूरी एक रोटेशन होने के बाद बाकी का जो लास्ट जो है ये आपका 30 का ही तो है, एंगल तो 30 का ही बन रहा है, क्योंकि जब आप देखो ये आपका एक एंगल है ये आपका 30 था, इसको मैं रेड कलर से छोड़ू, ये आपका 30, आपने पूरा सर्कल ऐसे लगाया और ये कंप्लीट हो, अभी तो आप इसी लाइन पर हो ना,
लेकिन आपको मैंने कहा 390, आपने कहा ये हो गया 360, और इस पे फिर आपने तो लास्ट जो आपका सर्कल है वो यही बन रहा है, तो ये तो यही सेम ही तो एंगल है। तीन सर्कल पूरे कर लो फिर आप आगे से 30 ले लो, बात तो वही है। जो को टर्मिनल एंगल होता है यानी कि जो इनिशियल एंगल होगा वही इसके आगे जो एंगल बनेंगे +30 +30 सबकी वैल्यू सेम है। और कैसे होते हैं वो आपको समझ में आएगी होगा, क्योंकि साइन 750 का मतलब 720 + 30, समझ में आ रहा है कंसेप्ट दे रहे आता है? ठीक है, तो वो यही आपको यहाँ बताया जा रहा है कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही साइन 750 की वैल्यू होती है, वही साइन 390 की वैल्यू। फोर टर्मिनल एंगल्स में क्या होता है, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शनल वैल्यू एंगल डू नॉट चेंज, तो मैंने बताया। तो जब आप इसको साइन 4π + 30 करोगे, साइन 2π + 30 करोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही होगी, तो वैल्यू चेंज फंक्शन की नहीं होगी, तो सारे के सारे क्या होंगे, साइन 30 के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765, साइन 765। अब आप देखो कि साइन 765 जो है इसको मैं मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में ब्रेक करूं, 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकता हूं, या 9, जो 180 और 90 से जो क्लोजेस्ट आ रहा है इसके वो क्या रहा है। अब 765 को 180 से डिवाइड क्या आएगा, 184 जा 720, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 4। कैन आई से दैट कि जो साइन 765 डिग्री है दैट इज डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यस और नो। अब 180 का मतलब क्या है, पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4π + 45 हो गया। 4π का मतलब कहां पर हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, 4π प्लस क्या हो गया 45, प्लस क्या हो गया 45, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या नहीं से दैट साइन 45 के इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, बोलो भाई। फिर हो गया आता, ठीक है, चलो मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जी क्या होगी। पहले मुझे बताओ कॉसेक जो है, ये जो नेगेटिव साइन है नहीं, जो ये हरी मिर्च है इसको खाएगा या बाहर कर दे, बाहर कर। पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, माइनस कॉसेक 1410, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 1410 तो आप 180 के टेबल में, 180 के टेबल यहां से देखना आप, ठीक है, 1840। अगर मैं इसको 8 पे करता हूँ तो 8 0 10 0, 8 8 10 64, 8 1 जा 8 और 30 कितना होगा, 4, 1440 आ रहा है। इससे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 30, कितना आ रहा है 30, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसको 7 पर दे, 7 0 10 0 8 7 जा 56, 7 1 7 5, इसपे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आइडियली मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा। जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव में गिवन होती है तो ये वाला ही केस आपको देखने को मिले, या मैं उसे पीछे वाला केस नहीं लेना जैसे नॉर्मल डिवाइड में लेते, हमें उसके आगे वाला केस लेना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये इससे बड़ा ही आ रहा है ना, तो मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, माइनस कॉस है, क्या मैं 1410 को ऐसे ले सकता हूँ, 180 इंटू 1440 और -30, क्या अब ये इसके इक्वल है या नहीं है, बस इतना बताओ। 180 नहीं, 1440 नहीं, 8, 180 इंटू 8 - 30, ये इसके इक्वल है या नहीं। 180 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 1440, और जब मैं इसमें से 30 माइनस करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको आपने लिखा माइनस कॉसेक 180 का मतलब 8π और माइनस में क्या हो गया 30, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगेन क्वाड्रेंट चेक करो, 8π का मतलब आप यहां पर खड़े, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ आऊंगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा क्या होता है, नेगेटिव, तो देखो एक नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी था, कॉस 8π - थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस 30, यस और नो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया आपका कॉसेक 30।
30 की वैल्यू नहीं पता तो साइन 30 की बता दो, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर है, यस और नो? हाँ जी कुछ देखो जी। हमने देखो आपने ये मान लो ना, ये डिविडेंड है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमेंड। चलो मैंने यहाँ पे प्लस लगा, अब जिससे डिवाइड किया वो आपका डिवाइजर है, जिससे आपने वो किया ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका क्या आ गया, रिमेंड। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस करूंगा तो माइनस का बड़ा आ रहा है ना, तो रिमाइंडर मेरा -30 आएगा, नहीं आएगा। हाँ हाँ जी क्लियर। हाँ जी क्या रहा, 180 से डिवाइड करना हर एक को, क्योंकि जो भी नंबर है अगर 180 से बड़ा है तो 180 से कर, 180 से छोटा होगा तो 90 के मल्टीप्लस। इतनी बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये आपका है 10 19 5 5, इसको करने के आपके पास दो मेथड, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, फिर आप बताना कौन सा आपको चाहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक। पहला मेथड तो ये है कि भैया पाई की वैल्यू लिख दो। चलो जी मैं खुद कर दूं, क्या हो जाएगा 10 19 into 180 divided by 3, yes or no? होगा तो ये हो जाएगा 3 6 80, 19 6 कितना होता है ये भी बता दो, 9 6 54, 6 15 6 और 5 मिला तो ये हो गया 10 1140 डी। इन टर्म्स ऑफ पाई रेडियन था या से मानो, या फिर मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, तो पाई की वैल्यू पुट किसके लिए करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं। अब 1140 180 से बड़ा है, मैंने क्या किया, 1140 को भैया 180 से डिवाइड, 185 का कितना होता है, 8 5 40, 5 5 5 और 4 9, 186 का देखो, 8 6 48, 6 5 6 4 10, तो यहाँ पर मैंने 6 कर, कितना आ गया 1080। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, 10 180 into 6 plus 60, यस और नो? लिख सकता हूँ। और क्या मैं इसको फिर ऐसे ले सकता हूँ, 10 6 pi plus 60, यस और नो? 6 pi का मतलब कहाँ, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। कहने से 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या, √3/√3/1, y का मतलब कुछ बोलने से मतलब है, √3, 10 60 का मतलब √3, दे रहे हैं आप। चलो एक एक मेथड तो ये हो गया जो अभी तक आप सीख ही रहे, एक और मेथड बता। दूसरा मेथड है कि भैया आपको 10 19 पाई बाय 3 फाइंड करना, क्या फाइंड करना, 10 19 पाई बाय, आप 19 को 3 से डिवाइड, आप 19 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से। अब 3 6 क्या होता है, 3 6 क्या होता है, 18। 3 5 क्या होता है, 15। यही इसके नंबर आसपास के, ज्यादा क्लोज कौन सा आ रहा है, 18 18 आ रहा है, 18 क्लोज किस पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो क्या मैं 19, तो आपको क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो क्लोज आ रहा है 6 पर आ रहा है तो आप लिखो 6 पर, अगर 6 पर क्लोज आ रहा है तो आपने क्या लिखा, 6 पर। 6 pi लिखने के बाद, 6 pi लिखने के बाद अब आप देखो 19 को छोड़, बाकी का नंबर क्या बच गया, 5/3, आपको यहां पे लिखना है 5। फिर से बता रहा हूं, 19 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करके जो भी क्लोजेस्ट नंबर है वो देखा किसके मल्टीपल पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है तो 6 pi, 4 पर आएगा तो 4 pi, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उस नंबर को छोड़ के बाकी जो के वो एज इट इज। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके बीच में प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं जिससे 19 पाई बाय 2, अब इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ माइनस तो एलसीएम क्या आएगा, 6 3 18 पाई और -5, तो अभी ये क्या बन जाएगा, 17 पाई बाय 2, मुझे क्या बनाना है, 19। अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो आप आपको माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर, तो हो भी रहा है 6 3 18, 18 पाई प्लस पाई कितना होगा, 19 पाई बाय 2। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, किसके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। बस जैसे आपने ये देखा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, कहने से इट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 10 पाई बाय 3 का मतलब 1060, 1060 की वैल्यू क्या होती है, अब बताओ कौन सा मेथड ज्यादा है इसमें, ये वाला ही। पर आपको नॉलेज दोनों का चाहिए, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पहले आप लोग ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, साइन जो है हरी सब्जी को खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, यानी कि हरी मिर्च। तो ये हो गया माइनस साइन 11π/3। वो दिक्कत, ये क्या हो गया 11 साइन, ये हो गया माइनस साइन 11π/3। अब 11 को मैं 3 से डिवाइड, यही मेथड आपको इजी लगा। 3 के टेबल में जो क्लोजेस्ट नंबर 11 क्या आता है, वो आता है 12। अगर मैं 3 का टेबल करता हूँ, 3 3 क्या होता है 9, 3 4 क्या होता है 12। हमें वो देखना होता है कि इसके पास या तो एग्जैक्टली तो होगा निकल, तो इसके आसपास का क्लोजेस्ट नंबर 3 पर आ रहा है 4 पर आ रहा है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन, अगर 4 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 का मतलब क्या हो गया 4π। 6 पर आएगा तो 6π। 11 को छोड़ के बाकी जो नंबर आप बचता है आपका, वो क्या है? वो है π/3। क्या है? पाई पाई। आपने लिखा पाई पाई, और सर मुझे ये बता दो बीच में प्लस लगाओ या माइनस, कि वो 11π/3 माइनस, क्योंकि आपको पता 4 3 से क्या होगा 12। 12π में से पाई माइनस करूंगा तब भी बनेगा, तो ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब साइन 4π कहाँ पर हो ये बता दो। ये रहा आपका साइन 4π। माइनस का मतलब क्लॉक वाइज कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव, तो माइनस तो एक था, फिर ये हो गया माइनस साइन पाई बाय थ्री। साइन 4π माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा ये होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया साइन पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री 180/3 क्या 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 2π, 2π/2। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज पोट ऑफ -15π बाय, पोट ऑफ -15π बाय। तो पोट पहले बताओ, हरी हरी मिर्च को खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, तो माइनस को तो भैया बाहर करो। ब्रैकेट में क्या हो गया कॉट 15π/3। और 4 के टेबल में नियरेस्ट नंबर क्या होगा 15 के? 16। वो 4 के टेबल में 4 पर ही आता है, पहले मुझे बताओ क्या मैं इसको लिखूं कॉट 4π। पहले मैं लिखूं इसको कॉट 4π, और 15 को छोड़ के बाकी क्या हो गया पाई बाय, पाई बाय। ये समझ में आ रहा है? अब बीच में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, क्या आएगा माइनस। तो अब यहाँ देखो, ये आपका हो गया 4π। 4π माइनस होने का मतलब कैसी मूवमेंट होगी? क्लॉक वाइज। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्वाड क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ में क्वाड क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो आपने इसको लिखा माइनस कॉट 4π माइनस थीटा, हो गया माइनस कॉट पाई बाय, माइनस कॉट पाई बाय। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया कॉट पाई बाय 4। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या? 1। किस किस का आंसर 1 आ रहा है? तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ के आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.3। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो वही है जो अभी तक आपने समझा उसी पर बेस्ड है, तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, प्रूविंग क्वेश्चन है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड चेंज। सबसे इजी वे क्या, देखो स्क्वायर है ना, आप इसको कैसे लिखो? आप इसको लिखो साइन पाई बाय 6, ये हो गया स्क्वायर। ये क्या हो गया स्क्वायर? क्या बताया आपको कैसे लिखना है इसको? साइन पाई बाय 6 और इसका स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 3, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? और मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2। तो आपने कर दिया होगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 10π/4 की वैल्यू क्या? 1, तो ये हो गया 1/6। अब 1/2 का स्क्वायर किया होगा तो 1/4 हो गया होगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/4।
अब यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, अब माइनस क्या हो जाएगा, अब 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। क्या यही हमारा राइट हैंड साइड था, ये आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin² π/6 +cosec² 7π/6 इनटू, इसमें कोई साइन नहीं, cos² π/3 = 3π/2। देखो इसमें जो मेन फोकस आपको करना है वो इस पे करना है, पहले तो आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट, तो कैन आई से दैट आप पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड माय लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू sin² π/6 प्लस cosec² 7/6। तो 7 को अगर मैं 6 के टेबल में देखता हूँ तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होती है, देखो 6 1 6 6 2 12, तो क्लोजेस्ट तो 6 आ रहा है, अब 6 किस पर आता है, 1 पर आता है, तो 1 का मतलब क्या हो गया पाई, ये समझ में आ रहा है, 7 को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या है π/6। तो मुझे बताओ बीच में प्लस या माइनस, प्लस 6 × 2/6 π होगा, प्लस करूंगा तभी 7π/6 आएगा, ये आपका एज इट इज लिख दो cos² π/6, इसमें कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है आंसर, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ स्क्वायर हटाओ पहले, तो ये हो जाएगा sin π/6, मतलब इसको होल स्क्वायर में रखो, अभी जो भी वैल्यू आएगी फिर वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस इसको लिखो आप cosec π +π/6 और ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको आपने लिखा cos π/3 और ये भी क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, ये भी क्लियर है, ठीक है। आगे देखो sin π/6 की वैल्यू क्या, चलो तो एक काम करो पहले इसको भी चेंज कर लेते हैं फिर एक साथ कर, ये हो गया sin π/6 होल स्क्वायर cosec 180 + θ। तो देखो 180 का मतलब क्या है, 180 का मतलब पाई का मतलब आप यहाँ हो, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉक, यहाँ तो नहीं आएगा ना, दोनों ना सर यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ में यहाँ सत्संग थोड़ी ना चल रहा है, पाई प्लस का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में, थर्ड में बताओ ये भाई साहब पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव थर्ड में तो सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बेसिकली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो cosec 180 + θ क्या हो जाएगा -cosec θ, ओवरऑल वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, और ये हो गया cos π/3 और इसमें भी क्या हो गया आपका स्क्वायर, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे थे, आगे थे। जब आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो π/6 होता है sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आपने लिखा 1/2, फिर प्लस माइनस cosec, इसका cosec 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 का ऑपोजिट 2, इसमें मैं लिख देता हूँ -2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/3, ये हो गया 1/2, इसमें कोई डाउट, आगे देखो जिसको, ये हो गया 2 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। अब 2 1 2 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, मुझे बताओ वी आर लेफ्ट विद 1/2 + 1 क्या आएगा, इक्वल टू 3/2, क्या यही आपकी राइट हैंड साइड थी, किसका ठीक है ये भी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, द लेफ्ट हैंड साइड इज cot² π/6 +cosec 5π/6 +3 tan² π/6, तो आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू 6। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी cot² π/6 +cosec, अब देखो ये 5 है ये आपका 6, 6 के टेबल में 5 के क्लोजेस्ट नंबर 6 ही आता है और 6 के टेबल में 6 1 पर आता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पाई और पाई बाय 6, अब बीच में प्लस या माइनस, माइनस +3 tan² π/6, ये क्लियर है जरा, ठीक है। तो देखो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटर्न, देखो ये क्या हो जाएगा cot²
पाई बाय सिक्स प्लस कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये आपका 180 है माइनस क्लॉकवाइज मूवमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो मैं लिखू कॉसेक पाई बाय सिक्स, कॉसेक पाई बाय सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाय सिक्स, ये भी क्लियर हो गया ठीक है। देन इट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाय सिक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉसेक पाई बाय सिक्स प्लस थ्री, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाय सिक्स, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्लियर आता है ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू क्या, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है रूट, तो ये हो गया रूट थ्री प्लस कॉसेक 32, तो आपने लिखा होगा टू प्लस थ्री, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये आपका इसका स्क्वायर, ये भी क्लियर है यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, आगे देखो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस टू प्लस थ्री इंटू 1/√3, अब ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस टू पाई, फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, क्लियर है यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय फोर प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस टू सेक्स स्क्वायर पाई बाय थ्री, इसके इक्वल आपका ये टेन के ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो क्या है, दैट इज टू साइन स्क्वायर, अब देखो थ्री पाई बाय फोर, थ्री अब ये थ्री है ये फोर है, फोर के टेबल में फोर सबसे क्लोजेस्ट आएगा, किस पर आएगा वन पर आएगा, तो मैंने लिखा पाई, फिर ये हो गया पाई पर, बीच में क्या आएगा प्लस या माइनस, माइनस, फिर आपने लिखा होगा प्लस टू कॉस स्क्वायर, ये हो गया पाई बाय, प्लस क्या हो गया आपका टू सेक्स स्क्वायर पाई बाय, इसमें कोई डाउट है तो दे रहे हैं यहां तक ठीक है। अब आप ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई माइनस पाई बाय पाई, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, वैसे आप देखो टू साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन है, तो आपने लिखा होगा साइन थीटा दैट इज साइन पाई बाय, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्या हो जाएगा आपका टू कॉस पाई बाय फोर, फिर इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा टू सेक पाई बाय, सेक पाई बाय, फिर इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर का, ये थी हमारी। हाँ जी क्या हो गया भाई, टू साइन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या 1/√3, फिर इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस टू कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू क्या है 1/√3, फिर इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, प्लस टू सेक पाई बाय थ्री सेक 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा टू, इसको आप टू करके स्क्वायर, तो सारी बातें क्लियर है ठीक है। अब आगे देख टू इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√3, प्लस टू इंटू ये क्या हो जाएगा 1/√2, और प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये हो गया वन प्लस टू फोर जाए एट, इट इज इक्वल टू टेन, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ आके हम आज की क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होगा आपका ठीक है, तो वहां से शुरू करें।